जी, वेलकम टू लहरे। थैंक यू वेरी मच। हमने आपका गाना सुना, बहुत ही अच्छा लगा, केसरिया बालम। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जब लोगों ने ये गाना देखा, उनका क्या फीडबैक था? वैसे आपको फीडबैक की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। लोगों को बहुत खुशी हुई है देख के। उनको ये लगा है कि जो केसरिया बालम जो ट्रेडिशनल ट्यून में है, ये उससे अलग है, ये बिल्कुल मॉडर्न बनाया है। उमेश जी ने बहुत अच्छी म्यूज़िक बनाई, रीना जी ने हमने गाया, शिखर ने भी बीच में अपनी आवाज़ दी इसमें। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें बिग बॉस फिर से आ गया है। इसमें दीपक ठाकुर और सोमी अली दोनों आ गए हैं और दोनों ने बहुत बढ़िया काम किया। यहाँ कई लोगों ने मुझसे पूछा कि इन दोनों ने शादी कर ली, तो मैंने उनको कहा कितनी बार करेंगे। जब आप ये गाना गा रहे थे, आपको पहले से पता था कि इसमें जो पिक्चराइजेशन होने वाली है या फिर जो इसमें एक्ट करने वाले हैं वो दीपक और सोमी होंगे? बिल्कुल नहीं पता था। जब हमने गाया तो सिर्फ गाया, और उसके बाद हमको एक दिन रीना ने कहा कि हम दीपक और सोमी को कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको ले रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, दोनों का रोमांस जो है वो थोड़ा सा ऑलरेडी हवा में है, तो क्यों ना उसको आप कैश करिए। तो इन्होंने कर लिया है। अच्छा अनूप जी, अभी फिर से एक बार बिग बॉस आ रहा है, और इस बार का जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल चेंज है। मतलब बिल्कुल चेंज नहीं है, मैं बोलूँगी जो पुराना कॉन्सेप्ट है वो आ रहा है। इस बार सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही होने वाले हैं, कॉमनर्स को मौका नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये अच्छा है, लोगों को पसंद आएगा, या फिर कॉमनर्स के जो है वो एक मौका छिन जाएगा? आप चौंकिएगा नहीं अगर मैं उसमें फिर से आ जाऊँ। ऐसा है कि चेंज आना चाहिए। जैसे पिछली बार कॉमनर्स भी थे, सेलिब्रिटी भी थे, तो मुझे लगा कि इस बार सिर्फ सेलिब्रिटी हूँ या सिर्फ कॉमनर्स हूँ, क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, मिक्स क्यों किया जाए। तो अभी उन्होंने क्या डिसाइड किया है ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी को पता है। अंदर की वो बात है, लेकिन न चौंकिएगा अगर मैं आ जाऊँ। तो चाहते हैं कि फिर से आप आ जाओ। अच्छा, इस बार जो बिग बॉस का थीम है वो हॉरर होने वाला है, और हमने ऐसा सुना है कि बिग बॉस ऐसे ही लोग डरते हैं क्योंकि थोड़ी सी वहाँ पे वो डरावनी चीज़ें, डरावनी आवाज़ आती है, पर थीम ही हॉरर होने वाला है, तो लोगों को कितना मज़ा आएगा कि या फिर जो कंटेस्टेंट है वो डरने वाले हैं? देखिए, वहाँ बहुत से भूत प्रेत जो है अंदर घूमते रहते हैं, क्योंकि जिनको उसमें हिस्सा नहीं मिलता है वो वहाँ घूमते रहते हैं, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। तो इस बार भी बहुत से नए ऐसे आ जाएंगे जिनको जगह नहीं मिल रही। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इस बार दीपक कलाल एंड राखी सावंत भी घर के अंदर आने वाले हैं। ये इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, बट ऐसा न्यूज़ आ रहा है। अगर वो आएंगे, क्या आप देखोगे बिग बॉस? असल में कुछ धमाका तो होना चाहिए, और ये दोनों ही धमाकेबाज हैं, तो आएंगे तो बहुत धमाका करेंगे, और देखें उसका क्या रिजल्ट होता है। लेकिन ये तो होना चाहिए कि कुछ धमाका तो करना चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे है कि अगर बिग बॉस में सेलिब्रिटीज़ का अगर हो रहा है, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही अगर एंटर करेंगे, तो इस आप किसे किसे बिग बॉस 13 में देखना चाहेंगे? मैं तो पहले शाहरुख खान को देखना चाहूँगा। उसके बाद आमिर खान को देखना चाहूँगा, कटरीना कैफ को देखना चाहूँगा, अमिताभ बच्चन साहब को देखना चाहूँगा। ये सब आएँ, इनसे बड़ी सेलिब्रिटी कौन है दुनिया में। थैंक यू। लहरें के जो व्यूवर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत देखा है, और मैं सच कहता हूँ कि मैं जब लहरें के लिए कुछ भी बोलता हूँ, आता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपकी पूरी टीम बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है।